हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे 23 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। कल एक प्रश्न हमने पूछा था कि किसे भी हाल ही में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है महंत नृत्य गोपाल दास। ठीक है, आज का हमारा जो प्रश्न है, कहाँ भारत के प्राचीन खाने के इतिहास पर आधारित राष्ट्रीय संग्रहालय में हिस्टोरिकल गैस्ट्रोनॉमिका इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है, आपको एक सही कमेंट करके बताना है। मध्य प्रदेश की करंट आउटलुक जनवरी की आ चुकी है, फरवरी की आने वाली है, जल्दी आपको इसको दे दी जाएगी। ये ऑफर जो है ये अभी भी अवेलेबल है, इसमें कंफ्यूज ना हो, सभी टेस्ट सीरीज नहीं, अलग अलग टेस्ट सीरीज जो है वो 250-250 रुपये की अवेलेबल है। ठीक है, इसमें लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सभी टेस्ट सीरीज 250 की है, तो करीब 50% ऑफ इसमें लगभग आपको दिया जा रहा है। इससे संबंधित क्वेरी कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। मध्य प्रदेश करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं 2020 की, मध्य प्रदेश करंट आउटलुक के ग्रुप से भी हमारे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा चैनल आप फॉलो कर लीजिए, उस पर हम आप क्विजेज भी स्टार्ट कराए हैं जो एमपी के करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स और एमपी जीके पर आधारित होगी। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश की पहली एवं देश की दूसरी सॉर्टेड सेक्स्ड सीमन लैब का भूमि पूजन कहाँ किया गया है? तो ये जो भूमि पूजन किया गया है, ये मध्य प्रदेश में किया गया है और ये भोपाल में करा गया है। भोपाल में प्रदेश की पहली और देश की दूसरी लगभग 50 करोड़ रुपए लागत की सॉर्टेड सेक्स्ड सीमन लैब का भूमि पूजन किया है, ये करा गया है जो पशुपालन मंत्री हैं, मत्स्य विकास और मछुआ कल्याण मंत्री हैं लाखन सिंह यादव ने। ठीक है, और ये करा इन्होंने भदभदा बुल फार्म परिसर में। ठीक है, कहाँ पर, ये भोपाल में आयोजित है और ये ST जेनेटिक्स कंपनी के सहयोग से लैब बनाई जा रही है। ये लैब 3 वर्ष में तैयार हो जाएगी। मध्य प्रदेश की पहली फुल मैराथन 2 फरवरी को कहाँ आयोजित हुई? तो ये जो फुल मैराथन है, ये मध्य प्रदेश की पहली फुल मैराथन थी और इसका आयोजन किया गया है इंदौर में। ये 2 फरवरी को आयोजित की गई थी। इस फुल मैराथन का मतलब होता है 42 किलोमीटर की जो मैराथन होती है उसको फुल मैराथन कहा जाता है। इसके अलावा हाफ मैराथन हो गया जो 21 किलोमीटर का होता है, फिर 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर तक की 4 कैटेगरी में लगभग 20,000 धावकों ने इसमें हिस्सा लिया था। शिवराज सरकार द्वारा बनाई गई नगर परिषदों का विघटन कर मध्य प्रदेश सरकार कितनी ग्राम पंचायतों का गठन कर रही है? तो देखिए, शिवराज सरकार ने ये जो आपकी 2016 और 2018 में 30 नगर परिषदों को बनाया था और उनको मध्य प्रदेश की जो कमलनाथ सरकार है वो फिर से ग्राम पंचायत में बदलने जा रही है। ठीक है, तो ये टोटल कितनी है, 113 ग्राम पंचायतें जो हैं वो बनाई जाएंगी 30 नगर परिषदों से। यहाँ पे अगर बात करें तो शिवराज सरकार ने 2018 में 21 और 2016 में 9 नगर परिषदों का गठन करने का फैसला किया था और यहाँ पर अभी तक नगरीय निकाय चुनाव जो हैं वो भी नहीं हुए थे। तो कैबिनेट की जो मंजूरी है उसके बाद यहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव नहीं होंगे बल्कि ग्राम पंचायत चुनाव ही किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि अभी ग्राम पंचायत जो है आपकी बन जाएंगी। तो टोटल कितनी होंगी, टोटल हो जाएंगी आपकी 113। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम 2020 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है? ठीक है, समयबद्ध मतलब टाइम बाउंड। ठीक है, टाइम बाउंड यानी कि क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई जैसे उद्योग जो है उद्योग स्थापित करना है, तो इसका वैसे सही आंसर जो है वो मध्य प्रदेश है। अब उद्योग स्थापित करने के लिए अलग अलग प्रकार की अलग अलग विभागों से मंजूरियां दी जाती हैं। ठीक है, तो औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में 10 विभागों से संबंधित 40 तरह की सरकारी अनुमतियां या लाइसेंस जो है वो 1 से 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो ये टाइम बाउंड का मतलब होता है कि 1 से लेके 15 दिन, मतलब मैक्सिमम कितना समय लगेगा, मैक्सिमम जो समय है वो लगेगा 15 दिन, 15 दिन से पहले ये काम हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है और इसके साथ साथ इस ऑनलाइन प्रक्रिया में अगर तय समय पर मंजूरी नहीं मिलती है तो पोर्टल अपने आप ही इसे मंजूर करके आगे बढ़ा देगा। इस फैसले को लागू करने वाला मध्य प्रदेश जो है वो पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो टाइम बाउंड अधिनियम इसको आप बोल सकते हैं। हाल ही में किस शहर को एक बार फिर से ODF डबल प्लस का तमगा मिल गया है? तो देखिए, ये जो शहर है ये भोपाल, जिसको भी हाल ही में ODF डबल प्लस का तमगा मिल गया है और ये फिर से ODF डबल प्लस का तमगा मिला है और इस तमगे के लिए पूरे 500 अंक भोपाल को मिले हैं। ये डबल प्लस है, ODF प्लस जो होता है उसमें 300 अंक होते हैं।
और इसका यह जो मतलब पैमाना क्या है, यह शहर की 25% पब्लिक टॉयलेट जो है उनमें एग्जीक्यूटिव क्लास और बाकी में सामान्य सुविधाएं हैं। सीवेज नेटवर्क जो है वो दुरुस्त हो यानी कि सही हो और पब्लिक टॉयलेट की जो जानकारी है वो ऑनलाइन मिल जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद ये स्टैंडर्ड जो है उसका यही है। इस स्टैंडर्ड को अगर कोई शहर फॉलो करता है तो उसको ODF डबल प्लस का तमगा मिल जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आपका, सुप्रीम कोर्ट ने दी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को अफ्रीकी चीतों को भारत लाने की अनुमति। देखिए काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, 2018 में भी मैंने आपको बताया था, 2018 में भी अफ्रीकी चीते यानी कि कहाँ से, नामीबिया जो है आपका अफ्रीका में, वहाँ से ये चीते लाने की मतलब प्लानिंग काफ़ी टाइम से जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है यानी कि NTCA, ठीक है, तो ये काफ़ी दिनों से मतलब इसको कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में इन अफ्रीकी चीतों को भारत लाने की अनुमति दे दी है। और जो पूर्व की केंद्र सरकार है उसने अफ्रीकी चीतों के लिए देश में 3 स्थान चिन्हित किए थे, इनमें से 2 स्थान तो हमारे मध्य प्रदेश के हैं, कूनो पालपुर और नौरादेही, ठीक है। तो कूनो पालपुर आपको पता होगा अब नेशनल पार्क बना दिया गया है, ठीक है, और नौरादेही भी नेशनल पार्क आगे बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके भी काफ़ी कयास अभी चल रहे थे और वन मंत्री हैं उमंग सिंघार, ठीक है, ध्यान रखें उमंग सिंघार, ठीक है। तो ये आपका नौरादही अभयारण्य जो है ये 2 स्थानों का चयन किया गया, जबकि एक सेंचुरी जो है इसमें राजस्थान की। और जो चीफ जस्टिस हैं SA बोबड़े, उनकी पीठ ने 3 सदस्यों की एक समिति का भी गठन किया है जो इस मुद्दे पर फैसला लेने में NTCA का मार्गदर्शन जो है वो करेगी और शीर्ष कोर्ट जो है इसकी निगरानी करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कहाँ से लाए जा रहे हैं ये चीते, ये ध्यान रखें नामीबिया से, नामीबिया से ये चीते जो है वो लाए जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, हालांकि उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, इसमें क्या है, छिंदवाड़ा में भी एक जो इस तरीके का जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम होता है तो उसमें गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का एक विश्व रिकॉर्ड इसमें बना है, इसमें अभी सर्वाधिक 3353 जोड़े जो हैं वो प्रणय सूत्र में बंधे हैं, ठीक है। तो बस इतना पढ़ लो, इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये नहीं है। इसमें 114 दिव्यांग जोड़े थे और 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हुए थे और अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि 3353 लोगों को एक साथ प्रणय सूत्र में मतलब 3353 शादियां एक साथ इसमें हुई हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दिया दे रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, औरंगजेब और जहांगीर। देखिए इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि 1 या 2 क्वेश्चन डेली आपसे इस तरीके के आपको दे दूं ताकि एक जनरल नॉलेज जो है वो आपकी बढ़े। ज़्यादातर जो फैक्ट्स हैं ये लोगों को पता नहीं होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उस पर मैं क्विज स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 3 4 5 क्वेश्चन जो हैं वो डेली आपसे पूछा करूँगा, तो आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लीजिए। इस मंदिर में शिवलिंग को चक्की की तरह घुमाकर मन्नत मांगते हैं भक्त और श्योपुर में है देश का इकलौता शिवलिंग जो 360 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। तो ये भी फैक्ट आप याद रख लीजिए, ये शिवलिंग जो है वो कहाँ पर है, श्योपुर में, जो 360 डिग्री घूम जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, और इसकी जो डायरेक्शन है वो नंदी के विपरीत दिशा में है, यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं आप। तो ये श्योपुर का जो चारबाग मोहल्ला है वहाँ पर है गोविंदेश्वर महादेव मंदिर, ध्यान रखिए गोविंदेश्वर महादेव मंदिर। और हालांकि ये कह रहे हैं कि यह मंदिर पूरे देश में इकलौता है जहाँ शिवलिंग अपनी धुरी पर चक्की की तरह 360 डिग्री घूम जाता है, ठीक है, और श्रद्धालु जो है वो शिवलिंग को घुमाकर मन्नत मांगते हैं। और लगभग 3 सदी पुराना यह शिवलिंग देश का दूसरा शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है, यहाँ के अलावा महाराष्ट्र के नासिक के शिव मंदिर भी में भी दक्षिण मुखी शिवलिंग है। हालांकि अगर हम महाकाल मंदिर की बात करें तो वो भी हमारा उसके बारे में हमने ये सुना है कि पूरे देश का इकलौता दक्षिण मुखी शिवलिंग जो है वो महाकाल मंदिर में ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट और हमें यहाँ पे मिल गए हैं तो आप इनको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही आपको चीज़ देखनी है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ कही जाती है कि साल में एक बार ही जो मंदिर है वो ऑटोमेटिक अपने आप घूम जाता है, 360 डिग्री अपने आप घूम जाता है, ऐसा मतलब कहा जाता है। तो ये मान्यताएं हैं या सही है कुछ जानकारी नहीं है। इस मंदिर की अगर बात करें तो श्योपुर के जो गौड़ वंशी राजा थे पुरुषोत्तम दास, उन्होंने 1722 में इस शिवलिंग को महाराष्ट्र के सोलापुर से उनके द्वारा इसको लाया गया था, ठीक है। कितने साल पुराना, करीब 1100 साल पुराना ये मंदिर है, ठीक है। और इसमें जो घूमने वाला शिवलिंग है इसकी प्राण प्रतिष्ठा 300 साल पहले ही हुई थी, ठीक है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके के 1 2 क्वेश्चंस डेली मैं आपको दे दिया करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।